हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। आज मैं आप सबके लिए फिर से लेके आया हूँ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का एक और मॉडल पेपर, जिसको स्टूडेंट्स आप प्रिपेयर करके अपने अपकमिंग एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उससे भी पहले अगर आप हमारे चैनल फिटनेस पाठशाला पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको, और जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जैसा प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने बताया कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो टोटल 1.5 आवर्स का, यानी कि 90 मिनट्स ड्यूरेशन होगी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की। 35 मार्क्स होंगे टोटल उसमें। देन आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, ए बी सी। क्वेश्चन जो सेक्शन ए होगा उसमें 24 में से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। सेम प्रोसेस होगा सेक्शन बी का भी, आउट ऑफ 24 में से 20 अटेम्प्ट करने होंगे। देन सेक्शन सी से आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट 1 क्वेश्चन जो है, जैसा कि आपको यहाँ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ऑप्शन ए दिया गया है फैसिलिटेट सेफ्टी, ऑप्शन बी दिया है मेक बजट, ऑप्शन सी दिया है इंक्रीज मिस्टेक्स, ऑप्शन डी दिया है इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन कमिटीज। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर है वो है इंक्रीज मिस्टेक्स। सेकेंड 1 क्वेश्चन वर्ड्स लाइक प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द ग्राउंड आर डन बाई, ऑप्शन ए दिया गया रिफ्रेशमेंट कमेटी, ऑप्शन बी दिया गया ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, ऑप्शन सी दिया गया अनाउंसमेंट कमेटी, ऑप्शन डी दिया है फाइनेंस कमेटी। राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन बी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टूर्नामेंट। ऑप्शन ए नॉकआउट टूर्नामेंट, ऑप्शन बी लीग टूर्नामेंट, ऑप्शन सी दिया है कैश टूर्नामेंट, ऑप्शन डी दिया है चैलेंज टूर्नामेंट। राइट आंसर होगा कैश टूर्नामेंट। नेक्स्ट 1 क्वेश्चन नंबर 4, द एनर्जेटिक फूड्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इसेंशियल केमिकल्स फॉर आवर बॉडी टर्म्ड एज, ऑप्शन ए डाइट, ऑप्शन बी न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन सी एनर्जी, ऑप्शन डी कार्ब। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट 1 क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 है शुगर स्वीट्स ब्रेड आर रिच सोर्सेस ऑफ, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी फैट्स, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी रफेज। जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा यहाँ पे ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। देन नेक्स्ट 1 क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सिक्स है स्टूडेंट यहाँ पे, इट्स एडेड टू फूड टू प्रिवेंट एनी अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस एंड इंक्रीज दियर सेल्फ लाइफ, ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी रफेज, ऑप्शन सी प्रिजर्वेटिव, ऑप्शन डी स्वीटनर्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन सी प्रिजर्वेटिव। क्वेश्चन नंबर 7, एंथोसाइनाइंस गिव कलर टू, ऑप्शन ए रूट्स, ऑप्शन बी कॉफी, ऑप्शन सी बीट, ऑप्शन डी ग्रेप्स। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी ग्रेप। इफ बीएमआई इज लेस देन 18.5 द पर्सन इज इन द, ऑप्शन ए अंडरवेट कैटेगरी, ऑप्शन बी दिया गया है रिकमेंडेड वेट कैटेगरी, ऑप्शन सी दिया है ओवरवेट कैटेगरी, ऑप्शन डी दिया है ओबेस कैटेगरी। जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा ऑप्शन ए अंडरवेट कैटेगरी। देन नेक्स्ट 1 क्वेश्चन की बात कर ले स्टूडेंट, नेक्स्ट 1 क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो है एन एक्टिविटी दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स इज, ऑप्शन ए दिया गया ड्राइंग, ऑप्शन बी दिया है स्टैंडिंग, ऑप्शन सी दिया गया है थ्रोइंग ए बॉल, ऑप्शन डी दिया गया है जंपिंग। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा यहाँ पे ऑप्शन ए ड्राइंग। देन नेक्स्ट 1 क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है अब देख सकते हैं यहाँ पे, एन एक्टिविटी दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल इज, ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे यूजिंग क्वार्टरली, देन ऑप्शन बी दिया गया है राइडिंग ए बाइक, ऑप्शन सी दिया है बिल्डिंग ए टॉय टावर, ऑप्शन सी डी दिया गया है कटिंग शेप यूजिंग सीजर्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन बी राइडिंग ए
बाइक। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, इन दिस स्टेज मोटर कंट्रोल ऑफ द हेड कम्स बिफोर कंट्रोल ऑफ द लेग्स। ऑप्शन ए अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन बी मिडिल चाइल्डहुड, ऑप्शन सी इन्फेंसी, ऑप्शन डी लेट चाइल्डहुड। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन सी इन्फेंसी। देन क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ पुअर पोस्चर इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन। ऑप्शन ए माल न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन बी असिस्टेड मूवमेंट, ऑप्शन सी लैक ऑफ एडिक्वेट प्ले एक्टिविटी, ऑप्शन डी टू टाइट क्लॉथिंग। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए माल न्यूट्रिएंट्स। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। ऑप्शन ए दिया गया फॉर्मेशन ऑफ हेयर वूल स्किन एंड नेल्स, ऑप्शन बी दिया गया एज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, ऑप्शन सी दिया है एज फूड इन द फॉर्म ऑफ मीट एग्स, ऑप्शन डी दिए गए एज एन एनर्जी प्रोवाइडर फॉर मेटाबॉलिज्म। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन डी एज एन एनर्जी प्रोवाइडर फॉर मेटाबॉलिज्म। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट यहाँ पे जो कि है आप देख सकते हो, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट हेल्प इन मेजरिंग। ऑप्शन ए दिया गया है बैलेंस, ऑप्शन बी दिया है स्पीड, ऑप्शन सी दिया है एंडोरेंस, ऑप्शन डी दिया गया है एजिलिटी। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट स्पीड ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप्स हेल्प इन मेजरिंग। ऑप्शन ए दिया है एजिलिटी, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी दिया है बैक स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी दिया गया है डायनेमिक बैलेंस। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका ऑप्शन बी पावर। ये लेग की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पावर को मेजर करता है स्टूडेंट। देन हु डेवलप हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ऑप्शन ए दिया गया है डॉक्टर हारोल्ड एम बैरो, ऑप्शन बी दिया गया है लुसियन ब्रोआ एंड हिज एसोसिएट्स, ऑप्शन सी दिया गया है डॉक्टर हैंस क्रॉस एंड डॉक्टर सोंजा वेबर, ऑप्शन डी दिया गया है डॉक्टर केन एच कूपर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वंस अगेन ऑप्शन बी लुसियन ब्रोआ एंड हिज एसोसिएट्स। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 है फार्मूला फॉर फिटनेस इंडेक्स शॉर्ट टर्म इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। यहाँ पे आपको फार्मूला बताना है शॉर्ट टर्म हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के लिए क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है स्टूडेंट 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड अपॉन 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 एंड 1.5 मिनट्स। ऑप्शन बी दिया गया है टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड इंटू 100 अपॉन 2 इंटू सम ऑफ 3 पल्स काउंट्स आफ्टर एक्सरसाइज। ऑप्शन सी दिया है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन मिनट अपॉन 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 एंड 1.5 मिनट। ऑप्शन डी दिया गया है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स अपॉन 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 2 to 2.5 मिनट्स आफ्टर एक्सरसाइज। जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका होगा ऑप्शन ए 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड अपॉन 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 एंड 1.5 मिनट्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 है सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। ऑप्शन ए डॉक्टर हारोल्ड एम बैरो, ऑप्शन बी लुसियन ब्रोआ एंड हिज एसोसिएट्स, ऑप्शन सी दिया गया है डॉक्टर हैंस क्रॉस एंड डॉक्टर सोंजा वेबर, ऑप्शन डी दिया गया है डॉक्टर रोबर्टा रिकी एंड जेसिस जोन्स। राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन डी डॉक्टर रोबर्टा रिकी एंड डॉक्टर जोसेस जोन्स। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है यहाँ पे आप देख सकते हैं, द मेजर गोल ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स इज। ऑप्शन ए दिया गया है टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन ए गिवन स्पोर्ट्स, ऑप्शन बी दिया है टू मॉडिफाई द स्पेसिफिक ट्रेनिंग मेथड, ऑप्शन सी दिया गया है टू कैरी आउट रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऑप्शन डी दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव।
द नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, यूज ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स कैन लीड टू ऑप्शन ए इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक, ऑप्शन बी फॉलो करेक्ट मोशंस, ऑप्शन सी इम्प्रूवमेंट इन स्पोर्ट्स स्किल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। दिन क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, द सर्कुलर मोशन कंबाइनिंग फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एंड एडक्शन इज ऑप्शन ए सर्कमडक्शन, ऑप्शन बी प्रोनेशन, ऑप्शन सी सुपाइनेशन, ऑप्शन डी रिट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा क्या, सर्कमडक्शन ऑप्शन ए। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द टर्न फ्लेक्शन रिफर्स टू ऑप्शन ए बेंडिंग, ऑप्शन बी टर्निंग, ऑप्शन सी ट्विस्टिंग, ऑप्शन डी है स्ट्रेंथिंग। राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका बेंडिंग ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 जो कि यहाँ पे है, मोर द फोर्स एग्जर्टेड बाई ए पर्सन ऑन द डाउनवर्ड बाउंस द हायर द बॉल बाउंस इन टू द एयर इट इज इन अकॉर्डेंस विथ, ऑप्शन ए न्यूटन फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी है न्यूटन सेकेंड लॉ, ऑप्शन सी है न्यूटन थर्ड लॉ, ऑप्शन डी है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी न्यूटन थर्ड लॉ। देन क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें जो कि सेक्शन ए का लास्ट वन क्वेश्चन है स्टूडेंट, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली अपॉन इट्स, ऑप्शन ए वेट, ऑप्शन बी मास, ऑप्शन सी हाइट, ऑप्शन डी डेंसिटी। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन बी मास। देन नेक्स्ट वन सेक्शन बी की बात कर ले, सेक्शन बी में भी आपको 24 क्वेश्चंस मिलेंगे स्टूडेंट, आउट ऑफ 24 में से आपको यहाँ भी 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो कि सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चंस होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन ए स्पोर्ट्स प्रोग्राम, ऑप्शन ए स्टाफिंग, ऑप्शन बी बजटिंग, ऑप्शन सी प्लानिंग, ऑप्शन डी डायरेक्टिंग। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो क्या होगा, ऑप्शन सी प्लानिंग। द नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, एग्जेम्पशन गिवन टू ए टर्म फ्रॉम प्लेइंग ए मैच द फर्स्ट राउंड इज कॉल्ड, ऑप्शन ए फिक्चर, ऑप्शन बी बाई, ऑप्शन सी सीडिंग, ऑप्शन डी स्पेशल सीडिंग। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका ऑप्शन बी बाई। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लें यहाँ पे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27, सनलाइट इज ए सोर्स ऑफ, ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे स्टूडेंट विटामिन ए, ऑप्शन बी दिया गया विटामिन बी, ऑप्शन सी दिया है विटामिन सी, ऑप्शन डी दिया है विटामिन डी। जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टूडेंट क्या, ऑप्शन डी विटामिन डी। देन क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, मच ऑफ द मोटर स्किल्स लर्निंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, ऑप्शन ए प्यूबर्टी, ऑप्शन बी एडल्टहुड, ऑप्शन सी चाइल्डहुड, ऑप्शन डी एडोलसेंट। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका वो होगा ऑप्शन सी एडोलसेंट, सॉरी चाइल्डहुड, ऑप्शन सी चाइल्डहुड। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 29, पोस्चर इज द इंडेक्स ऑफ योर, ऑप्शन ए माइंड, ऑप्शन बी पर्सनालिटी, ऑप्शन सी कैरेक्टर, ऑप्शन डी इंटेलेक्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टूडेंट ऑप्शन बी पर्सनालिटी। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे, पार्शियल कर्लअप इज टू टेस्ट, ऑप्शन ए एजिलिटी एंड स्पीड, ऑप्शन बी है लेग स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस, ऑप्शन सी है एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस, ऑप्शन डी है अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका यहाँ पे ऑप्शन सी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस। देन क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट वाज डेवलप्ड एट, ऑप्शन ए फुलर्टन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन ए फुलर्टन यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, द टर्म बायोमैकेनिक्स टू डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल प्रिंसिपल इन द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज अडॉप्टेड इन, ऑप्शन ए दिया अर्ली
70 ईयर्स, ऑप्शन बी दिया है लेट 1970 ईयर्स, ऑप्शन सी दिया है 1970, ऑप्शन डी दिया गया है अर्ली 1980 ईयर्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन ए अर्ली 1970 ईयर्स। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है स्टूडेंट यहाँ पे वो है मैच द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपको दो कॉलम दिए गए हैं, एक में ए में इंट्रामोरल नॉकआउट बाई स्टेयर केस, सेकेंड में दिया गया है फर्स्ट आफ्टर लूजिंग टीम गेट्स आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हम टैली कर लेते हैं। तो इंट्रामोरल क्या है, इंट्रा मतलब विद इन द वॉल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नॉकआउट क्या है, नॉकआउट का मतलब है आफ्टर यहाँ पे क्या होगा लूजिंग टीम्स गेट्स आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट। बाई की बात करें तो बाई क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, बाई जो है उसका हो जाएगा सब्ट्रैक्टिंग टोटल नंबर ऑफ टीम्स फ्रॉम द नेक्स्ट हाइयर नियरेस्ट नंबर इन द पावर ऑफ टूज, और जो आपका स्टेयर केस है वो लीग टूर्नामेंट है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो कोड बनेगा ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, डी का थर्ड। तो ये जो कोड मिल रहा है हमको स्टूडेंट यहाँ पे दिए गए ऑप्शन ए बी सी डी में, तो डी मिल रहा है राइट आंसर इसका। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, वंस अगेन मैच लिस्ट वन, लिस्ट टू से हमको क्या करना है स्टूडेंट, मैच करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं विटामिन ए दिया गया है, तो विटामिन ए की बात करें स्टूडेंट तो विटामिन ए का मतलब है यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस, किससे रिलेटेड है नाइट ब्लाइंडनेस। देन उसके बाद विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी बेरी बेरी। विटामिन सी की बात करें स्टूडेंट तो विटामिन सी जो होगा वो होगा वरिया। देन आपका विटामिन डी होगा रिकेट्स। तो इस तरीके से जो कोड बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे वो बनेगा फर्स्ट का फोर्थ, सेकेंड का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट, देन फोर्थ का सेकेंड। तो इस तरीके से जो राइट ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे वो हमको मिल रहा है स्टूडेंट ऑप्शन सी में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन अब बात करें हम क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे वंस अगेन ये भी आपका मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको कॉलम ए लिस्ट वन में दे दिया गया है आपको क्या, काइफोसिस लोडोसिस स्काइलोसिस राउंड शोल्डर। सेकेंड वन लिस्ट में दे दिया है इनवर्ट कर्व ऑफ द स्पाइन, साइडवेज कर्व ऑफ द स्पाइन, देन राउंडिंग ऑफ अपर बैक, देन फोर्थ वन दिया गया फॉरवर्ड बेंडिंग एंड राउंडिंग ऑफ शोल्डर। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका काइफोसिस की बात करें तो काइफोसिस से मतलब है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे राउंडिंग अपर बैक। देन लोडोसिस की बात करें तो लोडोसिस का मतलब यहाँ पे इसका जो राइट मैचिंग हो जाएगा इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। देन आपका जो होगा स्काइलोसिस, स्काइलोसिस से मतलब है स्टूडेंट साइडवेज कर्व ऑफ द स्पाइन। देन फोर्थ वन राउंड शोल्डर, फॉरवर्ड बेंडिंग एंड राउंडिंग ऑफ द शोल्डर। तो इस तरीके से जो कोड बनेगा फर्स्ट का थर्ड, सेकेंड का फर्स्ट, देन थर्ड का सेकेंड, देन फोर्थ का फोर्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में हमको ये राइट आंसर मिल रहा है स्टूडेंट सारे कोड। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका राइट कोड हो जाएगा स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन मैचिंग लिस्ट की बात कर लें, यहाँ पे आपको लिस्ट वन में दिया गया स्टूडेंट आप देख सकते हैं लिस्ट वन में आपको दिया जा रहा है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, 600 मीटर रन एंड वॉक, सीट एंड रीच, पार्शियल कर्लअप। सेकेंड वन लिस्ट में दिया जा रहा है इंडोरेंस एंड एरोबिक फिटनेस, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस, एक्सेलरेशन एंड स्पीड, देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बैक। तो यहाँ पे वंस अगेन हमको क्या करना है, टैली करना है एक दूसरे के साथ। तो फर्स्ट का जैसा कि हम बात करें 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट क्या करेगा, एक्सेलरेशन एंड स्पीड को मेजर करेगा। देन 600 मीटर रन एंड वॉक ये क्या करेगा स्टूडेंट, ये आपकी इंडोरेंस एंड एरोबिक फिटनेस को मेजर करेगा। देन सीट एंड रिच क्या करेगा स्टूडेंट, ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बैक। देन पार्शियल कर्लअप एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस को मेजर करेगा। तो इस तरीके से जो हमको राइट कोड मिलेगा स्टूडेंट वो मिलेगा फर्स्ट का थर्ड, सेकेंड का फर्स्ट, देन थर्ड का फोर्थ, देन फोर्थ का सेकेंड। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा स्टूडेंट राइट कोड,
ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो है एसर्शन एंड रीजन टाइप्स के क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं एसर्शन को पढ़ दूं, तो एसर्शन यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट, प्लानिंग इंक्रीजेस द एफिशिएंसी एंड फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। रीजन बताया जा रहा है द सक्सेस ऑफ कंपटीशन डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉपर प्लानिंग। ऑप्शन ए दिया गया, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया गया, बोथ ए एंड आर आर टू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया, सी दिया गया, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी दिया गया, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट जो कि एसर्शन एंड रीजन, क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे एसर्शन दिया जा रहा है, सीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ शॉर्टनिंग द टीम्स एंड फिटिंग देम इन द फिक्चर सो दैट द स्ट्रॉन्गर टीम्स डू नॉट मीट ईच अदर इन अर्लियर राउंड ऑफ टूर्नामेंट। रीजन बताया जा रहा है, इट इज डन टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स अलाइव टिल फाइनल्स ऑफ ए टूर्नामेंट। ऑप्शन ए दिया जा रहा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया जा रहा है यहाँ पे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी दिया जा रहा है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी दिया जा रहा है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वंस अगेन यहाँ पे ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वंस अगेन स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं एसर्शन एंड रीजन क्वेश्चन नंबर 39 एसर्शन दिया जा रहा है, ए बैलेंस्ड डाइट मे डिफाइन एज दैट डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। रीजन बताया जा रहा है स्टूडेंट यहाँ पे इसका, ए डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल फूड एलिमेंट्स एग्जाम्पल गिवेन इज प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट विटामिन फैट्स मिनरल्स एंड वाटर इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। अब इसका जो आंसर दिया जा रहा है ऑप्शन ए दिया जा रहा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया जा रहा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी दिया जा रहा है, इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी दिया जा रहा है, इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा वंस अगेन ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लें स्टूडेंट जो कि एसर्शन रीजन है वंस अगेन, तो यहाँ पे एसर्शन रीजन में एसर्शन दिया जा रहा है, इन चिल्ड्रेन मोटर डेवलपमेंट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड्स बोन्स मसल्स एंड एबिलिटी टू मूव अराउंड एंड मैनिपुलेट हिज और हर इन्वायरमेंट। रीजन बताया जा रहा है इसका स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मस्कुलर डेवलपमेंट मोटर डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर एरियाज, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड नेट मोटर स्किल्स। स्टूडेंट ऑप्शन ए दिया जा रहा है इसका, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया जा रहा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी दिया जा रहा है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी दिया जा रहा है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देन क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पे एसर्शन दिया जा रहा है इसका, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन स्पोर्ट्स इज मच लोअर देन मेन। रीजन बताया जा रहा है, वुमेन स्पोर्ट्स अट्रैक्ट लेस फंडिंग देन मैन स्पोर्ट्स। रीजन दिया जा रहा है इसका ऑप्शन दिया जा रहा है, ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया जा रहा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी दिया जा रहा है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी दिया जा रहा है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगेन 42 जो कि है आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42
एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है यहाँ ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 42 एसर्शन दिया गया स्टूडेंट इसका, आप देख सकते हैं, इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूज ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट इम्पॉर्टेंट। रीजन बताया जा रहा, मेजरमेंट इज ए प्रोसेस बाय विच द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फिटनेस एबिलिटी नॉलेज पर्सनालिटी एंड स्किल आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड टेस्ट। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है स्टूडेंट, ऑप्शन ए जो है वो दिया जा रहा है, बोथ ए एंड आर आर टू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया जा रहा है, बोथ ए एंड आर आर टू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी दिया जा रहा है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी दिया जा रहा है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा इसका वंस अगेन ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 43 एसर्शन दिया जा रहा है यहाँ पे ए, जो कि कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इज द एबिलिटी ऑफ द लीवर टू सप्लाई ऑक्सीजन। रीजन दिया जा रहा है इसका, दिस फिटनेस इज एसेंशियल फॉर अस टू परफॉर्म एरोबिक एक्टिविटीज। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया जा रहा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया जा रहा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी दिया जा रहा है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी दिया जा रहा है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देन क्वेश्चन नंबर बात कर लें 44 की स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एसर्शन दिया जा रहा है, एन इमेजिनरी वर्टिकल सरफेस विच डिवाइड्स द बॉडी इंटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड सजाइटल प्लेन। रीजन दिया जा रहा है, सजाइटल प्लेन इज आल्सो कॉल्ड फ्रंटल प्लेन। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, ए बोथ ए एंड आर आर टू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी दिया जा रहा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी दिया जा रहा है, ए ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी दिया जा रहा है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका वंस अगेन ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिफिशेंसी और डिसीज एंड चूज इट्स करेक्ट नेम। यहाँ पे आपको जो पिक्चर दी गई इससे आपको क्या करना है, जो डिफिशेंसी है डिसीज है उसे फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए दिया गया एनीमिया, ऑप्शन बी दिया गया कवासिर कोर, ऑप्शन सी दिया बेरी बेरी, ऑप्शन डी दिया गया ओबिसिटी। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यहाँ पे बे कवासिर कोर रोग जो है उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से होता है बच्चों में। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लें स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर जो कि दिया गया है 46, तो वो है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी एंड चूज इट्स करेक्ट नेम। आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो डिफॉर्मिटी दिखाई गई उसको आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए दिया गया काइफोसिस, ऑप्शन बी दिया है लोडोसिस, ऑप्शन सी दिया है स्काइलोसिस, ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो दिखाया जा रहा है आपको स्पाइन में, ये जो डिफॉर्मिटी दिखाई जा रही है स्टूडेंट वो दिखाई जा रही किस में, अपर यानी कि थोरेसिक्स रीजन में दिखाई जा रही है। अगर ये लंबर रीजन में इन्वर्ट कर्वेचर दिखाया जाता है स्टूडेंट तब आपका ये लोडोसिस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा काइफोसिस, क्योंकि ये थोरेसिक्स रीजन में आपको कर्वेचर दिखाया जा रहा है स्पाइन में। तो इस तरीके से यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा काइफोसिस। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी गई है स्टूडेंट, इन पिक्चर्स को देख करके आपको विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स रिप्रेजेंट पार्शियल कल्लब टेस्ट। यहाँ पे ये सीट एंड रिच को मेजर कर रहा है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी आपका ये एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को यानी कि पार्शियल कल्लब को मेजर कर रहा है, बाकी ये आपके दोनों ये मॉडिफाइड गर्ल्स के लिए पूछा है, ये बॉयज़ के लिए पूछा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका होगा कौन सा, ऑप्शन बी पार्शियल कल्लब टेस्ट यानी कि एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को मेजर कर रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स में प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट, क्लियर नहीं है पिक्चर, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द सजाइटल प्लेन।
तो अभी हमने बात की थी यहाँ पे कौन सा सजाइटल प्लेन को सजेस्ट करेगा। यहाँ पे तीन पिक्चर्स दी गई है जिसमें आपको एक में बॉडी के बीचों बीच में इस तरीके से पिक्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक में बॉडी को इस तरीके से जस्ट लाइक ब्लेड से काटा जा रहा है, एक में आपको हॉरिजॉन्टल ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो जैसा कि सजाइटल प्लेन क्या करता है, हमारी बॉडी को लेफ्ट एंड राइट डिवाइड करता है दो पार्ट में स्टूडेंट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो सेकेंड होगा इसका यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि सेक्शन सी से, अब यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड, जिसको पढ़ के आपको इनका आंसर देना होता है। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 49, सोहम वाज द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल, द स्कूल कमेटी डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज एन एनुअल स्पोर्ट्स मीट इन द स्कूल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी वर गिवेन टू सोहम फॉर प्लानिंग द इवेंट्स। अब क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इज इन ए स्पोर्ट्स प्रोग्राम। ऑप्शन ए स्टफिंग, ऑप्शन बी प्लानिंग, ऑप्शन सी है बजटिंग, ऑप्शन डी है डायरेक्टिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्लानिंग। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर ले, कुमार ऑफ 12th ए इज ग्रेट एथलीट, आफ्टर द लॉकडाउन ही वेंट टू सी हिज फिजिकल एजुकेशन टीचर मिस्टर मुर्गन एट द पी टीचर वॉज शॉक्ड टू सी कुमार बिकॉज कुमार हैड गेन्ड ए लॉट ऑफ वेट, ही ऑल्सो ऑब्जर्व मेनी अदर स्टूडेंट हैड ऑल्सो गेन्ड वेट, द पी टीचर डिसाइडेड टू कंडक्ट एन इंटर हाउस टूर्नामेंट इन द कैंपस, कुमार रिक्वेस्टेड पी टीचर टू कंडक्ट द टूर्नामेंट ऑन लीग बेसिस। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे, कुमार फील्स दैट लीग मेथड इज बेस्ट फॉर इंटर हाउस टूर्नामेंट, वाई। ऑप्शन ए दिया जा रहा है लेस पीरियड रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी दिया जा रहा है लिमिटेड ऑफिशियल्स, ऑप्शन सी दिया जा रहा है ट्रू विनर, ऑप्शन डी दिया जा रहा है प्लेयर्स वुड बी लेस टायर्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन सी ट्रू विनर्स। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 51 के लिए जो पैराग्राफ दिया गया स्टूडेंट यहाँ पे वो है, रोहन गॉड्स इज फोर आर्म बोन फ्रैक्चर्ड ऑन एक्सरे, डॉक्टर टोल्ड हिम दैट ही सोल्ड शुड हैव डाइट रिच इन विटामिन डी एंड आल्सो सप्लीमेंट वर आल्सो प्रिस्क्राइब टू हिम टू इम्प्रूव द डेंसिटी ऑफ बोन, डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। ऑप्शन ए दिया गया बेरी बेरी, ऑप्शन बी दिया गया स्कर्वी, ऑप्शन सी दिया गया रिकेट्स, ऑप्शन डी दिया है नाइट ब्लाइंडनेस। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन सी रिकेट्स। देन नेक्स्ट वन पैराग्राफ क्वेश्चन 52 के लिए जो है, नो मैटर व्हाट एक्टिविटी यू डू वियरिंग द राइट पेयर ऑफ शूज इज ए मस्ट फ्रॉम क्रॉस ट्रेनर्स टेनिस शूज टू रनिंग शूज एंड एरोबिक फुटवेयर, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ शूज फॉर वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज लाइक रनिंग ए ट्रेडमिल, डूइंग वेट ट्रेनिंग, जॉगिंग एंड वॉकिंग। वेन यू आर रनिंग ऑन ट्रेडमिल और डूइंग एरोबिक, वन नीड्स द राइट काइंड ऑफ शूज टू हैव ए प्रॉपर ग्रिप, जॉगिंग शूज आर डिफरेंट फ्रॉम रनिंग शूज, वन शुड ऑल्सो नो वट एवर यू आर फ्लैट फूटेड और हाई आर्ग्ड एंड वेदर योर फीट आर न्यूट्रल आर्ग्ड, द शूज शुड एब्जॉर्ब द सॉक्स, द शूज आर शुड बी प्रॉपर एंड रनिंग शूज शुड बी चूजन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फीट यू हैव। क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवाइज फॉर फ्लैट फूट, ऑप्शन ए वॉक ऑन इनर एज ऑफ फूट, ऑप्शन बी वॉक ऑन आउटर एज ऑफ फूट, ऑप्शन सी वॉक ऑन हील्स, ऑप्शन डी वॉक ऑन टोज। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा वॉक ऑन टोज, ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर ले, यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया स्टूडेंट, फोर्सेस ऑलवेज एकर इन पेयर्स व्हेन ऑन बॉडी पुशेस अगेंस्ट अनदर द सेकेंड बॉडी पुशेस बैक जस्ट एज हार्ड, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू पुश ए कार्ड द कार्ड पुशेस बैक अगेंस्ट यू,
विच लॉ ऑफ मोशन इज बींग मेन्शनड एबव, ऑप्शन ए लॉ ऑफ इनर्सिया, ऑप्शन बी लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ऑप्शन सी लॉ ऑफ मोमेंटम और एक्सीलरेशन, ऑप्शन डी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन बी लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, यानी कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं 54, रीना वांट्स टू अंडरटेक ए सीरीज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज टू चेक हर फिटनेस बट इज अनेबल टू डू पुशअप इवन विथ द सपोर्ट ऑफ हर नीज, हर स्पोर्ट टीचर एडवाइज टू हर टू प्रिपेयर ऑन हर सेल्फ बाई प्रॉपरली वार्मिंग अप बिफोर अटेम्प्टिंग एनी एक्सरसाइज एंड अंडरस्टूड दैट दिस वॉज ओनली वन ऑफ द सेवन टेस्ट सी नीडेड टू अंडरटेक द नेम ऑफ द टेस्ट बींग अंडरटेक बाई रीना इज, ऑप्शन ए जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, ऑप्शन बी मोटर फिटनेस टेस्ट, ऑप्शन सी रिकी एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा इसका यहाँ पे ऑप्शन बी मोटर फिटनेस टेस्ट। देन नेक्स्ट वन पैराग्राफ की बात कर लें स्टूडेंट, नेक्स्ट वन पैराग्राफ है सनी वेंट टू एन ओल्ड एज होम ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे, एट दैट टाइम ऑल द इनमेट्स ऑफ द होम हैड असेंबल्ड एट वन प्लेस, व्हेन ही इंक्वायर्ड दे टोल्ड हिम दैट दे हैव टू अंडरगो ए फिजिकल फिटनेस टेस्ट। क्वेश्चन हो रहा है इस पैराग्राफ से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, ऑप्शन ए पुशअप, ऑप्शन बी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ऑप्शन सी है जिगजैग रन, ऑप्शन डी है 8 foot अप एंड गो टेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी 8 foot अप एंड गो टेस्ट जो होगा आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट। देन क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर ले, पैराग्राफ जो दिया गया इसके लिए इन 1912 द पॉलिश बॉर्न बायोमैकेनिस्ट कश्मीर फंक कॉल्ड दिस मिस्टीरियस कंपाउंड ए वाइटल ए माइन विच केम टू बी शॉर्टेन टू विटामिन लेटर रिसर्चर्स डिस्कवर्ड दैट द आउटर लेयर ऑफ राइस इज रिच इन विटामिन बी वन, वॉट इज अदर नेम ऑफ विटामिन बी वन, ऑप्शन ए दिया गया है थायमिन, ऑप्शन बी दिया है नियासिन, ऑप्शन सी दिया गया है बायोटिन, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दी। जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो इसका होगा ऑप्शन ए थायमिन। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन बिलो गिवेन इन इज ए द पाई चार्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हू पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, तो चैलेंज में 10% दिखाया जा रहा, कॉम्बिनेशन में 15%, लीग में 20%, नॉकआउट में 55%, अलग अलग तरीके से इनको कलरिंग करके शो किया जा रहा है। तो यहाँ पे बाय व्हाट परसेंटेज डिज स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट एक्सीड फ्रॉम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, तो यहाँ पे जैसा कि स्टूडेंट दिया जा रहा है आपको 55% नॉकआउट दिया जा रहा है, कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है आपको 15%, तो 55 में से 15 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि एक्सीडेड की बात कर रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 40%, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो कि है 58 गिवेन बिलो इज द पाई चार्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ पेशेंट विजिटिंग ए हॉस्पिटल हु वर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्टरल डिफॉर्मिटी, तो यहाँ पे राउंड शोल्डर्स 40%, काइफोसिस 25% और लोडोसिस 15% और आपको दिखाया जा रहा है स्काइलोसिस 20%, फ्रॉम विच पोस्टरल डिफॉर्मिटी इज द लीस्ट नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, तो यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पूछ रहा है यहाँ पे, तो जो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा आपका ऑप्शन बी जो दिया गया है जो कि है आपका लोडोसिस 15%, सबसे कम इसी में आपको मिल रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 59 वंस अगेन गिवन बिलो इज द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट डाटा ऑफ मेल्स इन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में दिया जा रहा है 11%, सेकेंड क्वार्टर में दिया जा रहा है स्टूडेंट 22%, थर्ड क्वार्टर में 6%, फोर्थ क्वार्टर में 33%,
फिफ्थ क्वार्टर में 28% फिटनेस इंडेक्स दिया जा रहा है क्वार्टर वन के लिए बिलो 55, क्वार्टर सेकंड के लिए दिया जा रहा है 55 to 64.9, थर्ड क्वार्टर के लिए दिया जा रहा है 65 to 79.9, फोर्थ क्वार्टर के लिए दिया जा रहा है 80 to 90, देन फिफ्थ क्वार्टर के लिए दिया जा रहा है एबव 90। जो अब इसमें बताना इन विच कैटेगरी ऑफ द फिटनेस स्कोर डज द लीस्ट मेल पॉपुलेशन फॉल्स इनटू, तो यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है, एक्सीलेंट ऑप्शन बी दिया है गुड और एबव एवरेज, ऑप्शन सी दिया है एवरेज, ऑप्शन डी दिया गया है बिलो एवरेज। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा इसका ऑप्शन सी एवरेज। द नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 60, ए पाई चार्ट ऑफ द बॉडी मूवमेंट इज गिवेन बिलो। यहाँ पे आपको फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन दिखाया जा रहा है वेरियस ग्राफ के थ्रू, यानी कि पिक्चर्स के थ्रू अलग अलग उसको मार्क करके। व्हेन द एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीजेस देन इट इज कॉल्ड, तो यहाँ पे आपको बताना है इसको देख के कि जब एंगल ऑफ टू बोन्स के बीच में डिक्रीज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट। तो एंगल जब डिक्रीज हो रहा है तो सिंपल सी बात है ना कि वो कहलाएगा हमारा फ्लेक्शन, यानी कि ये वाला पार्ट, ये पिक्चर्स कहाँ पे शो हो रहे स्टूडेंट आपको, ऑप्शन डी में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा इसका वो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये था आप सबके लिए एक और मॉडल पेपर विथ आंसर। आपको ये वीडियोज कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्सों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने फिजिकल एजुकेशन ग्रुप में इस तरीके के वीडियोज को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोज पहुँच सके और जो भी फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू।